गाइस सुबह सुबह भाई जिम का माहौल तो बड़ा बढ़िया और फ्रेश है। सभी कार्डियो करते हैं, पूरा दिन फ्रेश जाएगा भाई, खाली पेट कार्डियो। आज पहला दिन है, अभी रेगुलर आएंगे। गाइस सुबह सुबह कार्डियो करके पूरा फ्रेश हो चुका भाई, अभी दिन भर काम करवाओ चाहे भाई बिल्कुल ही थकूंगा। और खाली पेट कार्डियो करने का भाई फायदा भी बहुत है और मजा भी भाई पूरा आता है। और ये देखो भाई रास्ता देखो, पहले खेतों वाला है ना बुलेट, सुबह सुबह यहाँ से इस रास्ते से जाएगा। हर रोज आऊँगा भाई कार्डियो, बस मंडे को छोड़ के, क्योंकि मंडे को जिम भी बंद होती है। तो गाइस घर पहुंचा नहीं भाई, मेरी माँ मेरे को पहले ही बोल दी थी हमें छोड़ के आ भाई, शॉपिंग करने जा रही है मेरी मम्मी दोनों भाई आज। सो मैं जा रहा हूँ इनको छोड़ने, उसके बाद दिखाता हूँ आपको घर पे कितना काम हो चुका है। आज हमारा किचन मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल हो जाएगा, बस एक दिन का काम बचेगा आज के बाद। सो हम नए किचन में शिफ्ट हो जाएंगे और जहाँ पे पुराना किचन है वहाँ पे बनाएंगे वॉशरूम। टाइल्स वगैरह ले आया था आज, आपको टाइल भी दिखाता हूँ घर जाके भाई, रात भूल गया भाई, लेट हो गया था, दिखा नहीं, अभी दिखाता हूँ घर जाके। गाइस मम्मी को उतार दिया है बस स्टैंड पे भाई, लेके मैं गाड़ी में भी जा सकता था, बट भाई जब भी किसी की मम्मी शॉपिंग करने आती है उनको पता है भाई शॉपिंग अगर एक चुन्नी की भी करनी है ना भाई तो 3 घंटे लगा के चलो, इसीलिए मम्मी बोल देती है भाई अब कि हमें बस स्टैंड पे उतारो, बस में ठीक है भाई। क्योंकि अगर मैं जाता साथ या मेरे भाई जाता तो हम बोलते हैं भाई चलो 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 ऐसे करते रहते हैं भाई, तो इसीलिए भाई सुकून से शॉपिंग करें, जब हो जाएगी तब कॉल करते हैं, फिर ले आएंगे उनको जाके भाई। भाई जी यहाँ पे देखो भाई अभी चल रहा है काम किचन का, आज फिर सरमाइका लग रहा है भाई, आज लग जाएगा ये पूरा सरमाइका। हाँ जी पूरा सरमाइका लग गया ना। अभी आप क्या बोल रहे थे लाने के लिए, मार्जिन वो लकड़ी है ना जो वो लेकर आनी है। गाइस अभी चलते हैं भाई, मैं आपको कॉल करूंगा भैया, आप बता देना क्या क्या साइज है उसका। और बाकी बाहर भी देख सकते हो आप, यहाँ पे टाइल लग रही है, ये तो लग चुकी है, बस उस साइड रह गई थोड़ी, उसके बाद किचन में नहीं लगवाएंगे, सबसे पहले लगवाएंगे पीछे वाली साइड, पीछे से फिर सफाई होती आएगी ना, अभी आधे रूम हमारे के लिए हो चुके और पीछे वाला गंदा है, सबसे अच्छा है ये देखो, यहाँ से दिखता है मेरे रूम से भाई कितना गंदा रूम है, देखो ये देखो, तो इसकी सफाई करो भाई, बच गए, इसकी सफाई करवाएंगे, इसके बाद पीछे टाइल लगवाएंगे, लास्ट में किचन में लगवाएंगे, क्योंकि किचन में भी काम पेंडिंग है वरना काम रुक जाएगा। सो अभी निकलते हैं, हमारे यहाँ पे सोसाइटी है वहाँ से मार्जिन लेने, मार्जिन बोलते हैं जो लकड़ी वो काट रहे थे भैया, सो पतली सी लकड़ी वो बाइक पे ही आ जाएगी, मैं और मेरे मम्मी का बैठे चलते हैं और कुछ खा पी आएंगे। इज़ आई टेक बिगेस्ट रिस्क ऑफ माई लाइफ इसके पीछे बैठना भाई एक्टिवा पे। सो अभी जा रहा हूँ मार्जिन लेने भाई, जो लकड़ी थी वो बोली थी उनकी, और रास्ता तो देख लो नदी वाला है, वहाँ पे नदी आ गए वहाँ तो मैं पैदल ही निकल जाऊँगा भाई, क्योंकि इस पर बिल्कुल 0% ट्रस्ट है मेरे को, वो तो पता नहीं कैसे पीछे बैठ गया मैं। और आते आते सामान भी लाना है भाई, कल मेरा भांजा आया था मेरी बहन का बेटा, तो छोटा सा है, उसको कुरकुरे बहुत पसंद है, तो कुरकुरे या लेज लेकर आएंगे। चल भाई रोक 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 चलो तार चल निकाल दे भाई, नदी है यहाँ पे, गिरा दिया तो मैं घर नहीं जा सकता। ओ हाँ जी भैया, कितनी मच्छी है यहाँ पे, है कोई है। पकड़ी हुई है, जिंदा है, अभी छूट गया बड़ा वाला। कितनी बड़ी थी, 2 से 2.5 किलो जाएगा, 2 से 2.5 किलो नहीं नहीं कितनी, काफी बड़ी थी, कैसे 2 से 3 किलो जाएगा, कैसे छूट गया, टूट नाली ले गया, ठीक है। सो यहाँ पे फिशिंग भी चलती है भाई हमारे, पानी देखो आ रहा है उधर से नदी में, चल भाई ये भाई ये देखो इसीलिए रिस्क नहीं लेता मैं भाई, बार बार पैदल जाना पड़ रहा है मेरे को, रास्ते बहुत गंदे हैं, रास्ते तो ठीक है रास्तों से ज़्यादा भाई ड्राइवर गंदा है हमारा, सो रिस्क नहीं ले सकता मैं, मेरे को अपने घुटने और अपने आपकी बॉडी पसंद प्यारी है मेरे को मेरी, इसलिए रिस्क नहीं ले सकता मैं। सो गाइस ये देखो दिवाली के गिफ्ट्स भाई, यहाँ से लेके जाऊँगा, मैंने देना है किसी को, इधर देखो इलेक्ट्रॉनिक, इधर बर्तन वगैरह, बाकी ये इनमें से लेना है कोई, एक दिन पहले ही ले जाऊंगा वरना दिवाली वाले दिन तो बंद हो जाती है ये शॉप। तो गाइस जिस सामान के लिए गए थे भाई वो तो मिला नहीं, खाने पीने के लिए सामान ले आए हैं। ये भैया इधर नहीं आएगी मच्छी, उधर ही है, इधर नहीं आएगी, चल दिख रही है, चल आगे कर, चलो गाइस अभी और जाना पड़ेगा, कहीं से लाना तो पड़ेगा, वो ज़रूरी है भाई। गाइस ये देखो भाई कहाँ से निकले अब हम, ओ भाई साहब पहले ही रोक दिया उसने, गौ माता नो 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 मार रही है भाई, ये बच गए बच गए बच गए भाई, कैसे आ रही है ऊपर को मार रही है, ये है भी कितनी आगे तक, और पीछे देखो कितनी पीछे चली गई है, चल चल निकाल दे साइड से,
चल 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 चलो 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 गाइज अभी मैं चलता हूँ यहाँ से पैदल कर भाई अपने गांव पहुंच चुका हूँ। ये जा रहा है मम्मी को लेने मेरे। जा 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 जा। ओ भाई मजा आ गया कसम से। मेरी फेवरेट है डेरी मिल्क क्रैक कहलाती है जो बहुत अच्छी टेस्टी है भाई। क्रंची क्रंची होती है। ओए ले गुरु आज। चलो भाई एक शॉप से तो मिला नहीं अभी, बट जरूरी जाइए वो सामान हमें। अभी चलते हैं जहाँ पे पहले लेके आते हैं वहाँ से तो मिल ही जाएगा। आ जाए उसको भी ले जाता हूँ साथ में। तो गाइस ले लिया है सारा सामान। ये लेना था भाई सिर्फ डंडे से थे। ये काफ़ी चक्कर लगे इसके पीछे भी भाई। पहले कहीं और शॉप में कुछ था, अभी यहीं आना पड़ा है। ये थोड़ी दूर पड़ता है पर मिल जाता है यहाँ से सब कुछ भाई। सारा सामान यहीं से जा रहा है हमारा। तो गाइस फाइनली भाई टाइल लग चुकी है हमारे पूरे घर में नहीं आई मीन पूरे इसमें आंगन जो बेड़ा सा ये और दोनों रूम अभी पीछे लगेगी कल को भाई। और यहाँ पे बाकी किचन का तो काम चल ही रहा है। ये देखो यहाँ पे नीचे से माइका लग गया, इधर लग गया, इधर ऊपर नीचे खिड़कियाँ सारी रेडी हैं इसकी वो पड़ी हैं। ये देखो सामने पड़ी हैं सारी खिड़कियाँ भाई इधर अंदर। तो वो भैया कर रहे हैं उसको वो हो जाएगी कल लग जाएगी पूरी खिड़कियाँ भाई इसकी। बाकी ये टाइल्स थी मैं दिखा रहा था ना आपको, देखो कितनी टाइल्स आई हुई है। ये सारी टाइल्स है लगने वाला दिखाऊँगा अभी पेटी में फाड़ नहीं सकता। ये कितनी टाइल्स है। चलो तो गाइस अभी जस्ट मैं किसी काम से घर आया हूँ और मैंने जैसे ही आया भाई आज मैं घर गया, आज घर से बाहर निकला ना तो मेरे घर मम्मा ने बताया कि भाई कारपेंटर भैया तो पहली बात तो भाई ये इतने अच्छे बंदे ना तो जाते नहीं। और हमारा जो छोटू भैया है ना, छोटू ब्लॉग देख रहा है ना तू जो बाग गया ना कोई बात नहीं बेटा कल आ तू। और उसको मैंने बोला था भाई टाइल लगा दे। आज पूरे दिन में कितनी टाइल लगाई है इधर, ये एक दो तीन एक दो पांच टाइल लगाई है सिर्फ आज पूरे दिन में पांच टाइल। और मैंने बोला था भाई पीछे से ये बेड वगैरह उठवा के यहाँ पे तैयारी कर लो कल यहाँ पे टाइल लगेगी। देखो कितना यहाँ पे गंद पड़ा है देखो मेरे भाई यहाँ पे। ये लो सारी सफाई हो जाएगी भाई फोटोज वगैरह बाबा जी की। ये तो हमने पीछे रखी हुई है क्योंकि पीछे सेफ है भाई, आगे पता नहीं किधर किधर ऐसे ऐसे उतलू उतलोगी। सो ये देखो भाई ये काम किया उसने आज। बाकी अपना किचन तो रेडी हो जाएगा कल, हो जाएगा भाई पूरी खिड़कियाँ लग जाएंगी कल इसकी। ये देखो कैसी लुक है यहाँ पे। जब वैसे नीचे से गंदा है फिलहाल टाइल लग रही है तो उसके बाद देखना सीलिंग भाई मैंने करवाई थी कितनी प्यारी लग रही है देखने। और आज इसको खुला छोड़ा और ये गंद उठा के ना इसने फेंका पड़ा है जो खुला छोड़ के तबाही मचा दी इसने। आज का ब्लॉग इतना ही रहा भाई। मेरे लग चुकी है चोट अब जब मैं बाहर गया था ना मेरे ना पसलियों में पेन हो रही है। सो फिलहाल अभी मेरे से चला नहीं जा रहा भाई सुबह। आई डोंट नो क्या हाल होगा मेरा, बाकी देखी जाएगी जो होगा भाई भगवान पे छोड़ दिया सब कुछ। सो फिलहाल मैं कुछ देखने आया था। चलो छोड़ो बाद में ही देखते हैं। सो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं हम ख़त्म। मिलते हैं कल ब्लॉग के साथ। खुश रहो आबाद रहो आजाद रहो तब आए। मेरे को काम है मैं कुछ देखने गया था भूल गया अभी फिर सोचना पड़ेगा। सो मैं सोचता हूँ आप भी अब अपना काम करो इसके बाद बाय।